अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो राफे? मैं ठीक हूँ। रियली सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था कि फारिया तुम्हें जबरदस्ती ले गई, वरना मैं वरना क्या अरबाज, अपनी बहन के साथ मुझे वापस ही आना पड़ता। खूनी रिश्ता जो है मेरा, मेरी भी मजबूरी है आप लोगों की। वेल, मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? एक डायम बीमार शख्स से तुम पूछ रही हो कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? खुदा ना करे आप बीमार हो, आप कैसी बातें करते हैं? माशाल्लाह अच्छे खासे एक्टिव इंसान हैं आप। वैसे वो अलग बात है कि आपको अटेंशन लेने की आदत है, इसलिए आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं हमेशा। मगर तुम्हारी बहन ने तो मुझे बीमार होने का सर्टिफिकेट ही दे दिया। वो आप आपकी जिंदगी में नहीं है, तो उनके कहे हुए अल्फाज पे ज्यादा गौर नहीं कर रही। मैं सर पास आपको एक बात बताऊं, जब इंसान किसी को छोड़ना चाहता है तो वो उस पर 100 किस्म के इल्जाम लगाता है, उसे गंदा करता है। शायद तुम ठीक कह रही। मैं शायद ही यकीनन ठीक कह रही, मेरी बहन है ना, इसके बारे में जानती हूँ। जब मेरी आपकी को कोई बुरा लगता है तो उसे दुनिया के सामने भी बुरा बना देती है, और वो खुद मजलूम हो जाती है। उन्होंने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा था। मैं नहीं जानती कि हॉस्पिटल में मेरी माँ से उनकी क्या आखिरी बात हुई, और वो मेरी माँ को मरता हुआ हॉस्पिटल में छोड़ कर चली गई। मैंने फारिया से बहुत मोहब्बत की थी राफे, मगर अब मुझे लगता है फारिया मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। अरबाज, मोहब्बत दुनिया का सबसे कीमती जज्बा है, और जब कोई इंसान इस जज्बे की कदर नहीं करता तो उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि अपनी राहें बदल लेते हैं।
परफेक्ट। पिछले साल ही खरीदी थी उसने, उसका दिल भर गया, उसने नए मॉडल की गाड़ी ले ली, इसीलिए शोरूम में खड़ी कर दी। बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ नहीं है, बहुत कम चलाई है उसने, दो गाड़ी यूज करता। अच्छी लगी तुम्हें? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत अच्छी। वैसे इतने कम पैसों में मान ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा मेरी एक स्पेशल फ्रेंड को चाहिए, उसने कहा ठीक है। थैंक यू सो मच बिलाल, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, हमेशा से ऐसी गाड़ी लेना चाहती थी। दोस्ती में थैंक यू नहीं कहा जाता। अच्छा बाय द वे, अगर तुम इसी तरह गाड़ियां खरीदती रहोगी, शॉपिंग्स पे पैसे खर्च करती रहोगी, तो आगे क्या करोगी? वो 10 लाख का चेक है ना, वो अकाउंट में डलवा लूंगी। क्या 10 लाख? क्या हो गए, हंस क्यों रहे हो? तुमने 10 लाख इस तरह कहा जैसे करोड़ों। तुम हो ना करोड़ों के मालिक, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। चलो सर चलो। हम जानते हैं बेटा कि तुम इस वक्त बहुत अजियत में हो, पहले बाप की मौत और फिर शौहर की हकीकत खुल जाने के बाद कितनी अजियत में होगी, मगर शाबाश है तुम पर, बहुत साबिर लड़की हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो सौकन का नाम सुनते ही ये घर छोड़ के चली जाती। मैं शहबाज को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ दे। हम जानते हैं बेटा तुम बहुत ही नेक और साबिर बच्ची हो, ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, इसे बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप लोगों ने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया और उस मकार लड़की की बातों पर यकीन कर लिया। बहुत खुशनसीब है शहबाज कि उसको तुम जैसी बीवी मिली। शाबाज पे यकीन था हमें बेटा, इसलिए तो दुख हुआ है कि हमें बताए बगैर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शादी करना कोई जुर्म नहीं है, और उन्होंने शादी की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा? फर्क पड़ता अगर वो अभी तक शहबाज की बीवी होती, लेकिन शहबाज तो उसे तलाक दे चुके, और ये बात वो मुझे बहुत पहले बता चुके थे। तुम जैसी आला ज़र्फ़ औरतें बहुत कम हैं इस दुनिया में बेटा, वरना तो औरतें सौकन का नाम भी सुनना गवारा नहीं करती। अम्मी आप एक बात भूल रही हैं कि मैंने सौकन पे शादी नहीं की, शहबाज ने फारिया को तलाक देने के बाद मुझसे शादी की है, तो वो मेरी सौकन कैसे हुई? जीती रहो बेटा, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली। और बदकिस्मती ये भी तो थी कि फारिया हमारी बहू थी। इत्तफाक करो उसे, अब वो थी है नहीं, मत लाम लिया करो उसका। सारे बाल खराब कर लिए, इतने प्यारे बाल बने हुए आते हैं आपके, है ना? आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बाजी कब आएंगे? बाजी बिजी होंगे ना, क्योंकि वो ऑफिस जाती हैं, इसलिए टाइम नहीं होगा। आएंगी जल्दी, सही है ना? जल्दी आएंगी मिलने आपसे। हैप्पी। बाजी एक लड़की आई है सोनी से मिलने, कह रही है सना की बहन। राफिया? बाजी आ गई। नहीं मेरे ख्याल में राफिया को तो आप जानते हैं, चले जो भी है खैर भेजे। जी ठीक है। अब आप हैप्पी हो जाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। आप गालबन फारिया हैं, राफिया की बड़ी बहन? जी मैं फारिया हूँ, असल में गुड़िया से मिलने आई हूँ। एक दफ़ा मिल ली ना, दोबारा से दिल चाहा कि फिर से मिलूँ। अच्छा किया ना आपने, वैसे भी इन बच्चों को अपनों का बहुत इंतज़ार रहता है। राफिया भी नहीं आई काफ़ी दिनों से?
हाँ वो आजकल ऑफिस में ज्यादा मसरूफ है तो इसलिए नहीं आ पाई। चले मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह मंगवाती हूँ। नहीं नहीं इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना पीना चाय वगैरह सब करके आई हूँ, मुझे तो बस से मिलना था। जाओ बाजी के पास, ये आप लोगों को याद कर रही थी अभी। मैंने तो साफ कह दिया कि मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है, आप लोग मेरी फिक्र मत करें और बस अपना दिल उनके लिए साफ कर लें। मैं नहीं जानता मैं आपके सारे कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। बहुत आसान। कैसे? मुझे ढेर हो सारा प्यार देके। शहबाज की हर सांस, उसकी हर मोहब्बत मरते तब तक सिर्फ मलिया की, सिर्फ मलिया की। शुरू शुरू में मैं भी आपसे बदगुमान हो गई थी, लेकिन मैंने जब ठंडे दिल से सोचा तो मुझे आप बेकसूर नजर आए। हर मर्द में इतना जर्द नहीं होता कि वो अपनी बीवी के सामने अपनी गलती का एतराफ करे। मर्द तो गलती करके भी उससे मुकर जाते हैं, और जब वो गलती पकड़ी जाए तो उस पे पर्दा डालने के लिए बड़ी ढिटाई से अपनी बीवी पे 100 इल्जाम लगाता है। ये तो आपका ज़र्फ है कि आपने मेरे इतने बड़े गुनाह को माफ कर दिया और पूरे खानदान के सामने मेरे साथ डट कर खड़ी हो गई। बस अब आज से हम इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। प्रॉमिस? गुलशन खाला फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हैं आप? आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। वो मैं हारिस बिजी थी, तुम बताओ कैसे हो? हाँ अलीजा ने मुझे बताया था कि आजकल आप मलिया भाभी घर पर। तुम्हारी लीजे से बात कब हुई? मेरी वो आपका फोन बन जा रहा था ना, तो आपकी खैरियत मालूम करनी थी तो लीजे को कॉल कर ली थी मैंने। हारिस तुम्हें बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम लीजे से बात कर सकते हो। अरे नहीं नहीं मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रहा था। अच्छा आप अभी भी मलिया भाभी के घर पर हैं? हाँ मलिया भाभी के घर पे ही हूँ मैं भी। बाजी कैसी है? आप ही के डिवोर्स का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया है, घर छोड़कर जा चुकी हैं वो। हारिस मुझे अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता, ऊपर से आप ही की तलाक भी हो गई है, मैं बस सोच रही हूँ कि गुलशन खाला के साथ अपने घर वापस चली जाऊँ। आप ही मेरे ख्याल से आपको वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। पुराना मोहल्ला है हारिस, सब लोगों को मैं जानती हूँ, हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है, और वैसे भी इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब मुझे शर्मिंदगी होती है यहाँ रहते हुए। ठीक है फिर जैसा आप मुनासिब समझे।
मेरी मोहब्बत की जिंदगी कितनी मुख्तसर थी, ऐसा लगता है जैसे पलक ही झपकी थी और सारा मंजर बदल गया। भैयो, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अंदर चल के सबके साथ बैठे ना, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। नहीं लीजा, मैं यही ठीक हूँ, दिल नहीं चाह रहा। भैयो, इस मायूसी से निकल आए। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। मुझे पता है जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, सबके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भूल जाए सबको, खुश रहे। भूल चुका हूँ लीजा, सब कुछ भूल चुका। बस ये शर्मिंदगी का एहसास है जो मुझे जीने नहीं देता। मेरे ये गलत इंतखाब ने मुझे घर को अजियत में डाल दिया। भैया, आपको ऐसे देख के हमें ज्यादा अजियत हो रही है। खुश रहें, अपनी रूटीन ठीक करें, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले आपको कॉफी बना के पिलाती हूँ, बिल्कुल जैसी आपको पसंद है, सिनेमन वाली। चले चले। इतनी रात हो गई, आप भी अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं वो मुझे लेकर क्यों आई है यहाँ पे, भला उनको क्या फायदा मेरे यहाँ रहने से। या अल्लाह, प्लीज गुलशन खाला से मेरा जल्दी रब्ता हो जाए ताकि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। हमें, मैं और फारिया, दरवाजा खोलो। हाय, क्या काम है? मैं और फारिया, दरवाजा खोलें। एक सेकेंड, क्या हुआ? आप अंदर नहीं आ सकते जब तक आप ही नहीं आएंगे। फारिया, गाड़ी पार्क करी, मेरे पास ये सामान है, मैं इसलिए आ गया पहले। पीछे हटो। क्या मतलब है तुम्हारा? सामान है मेरे पास, कहाँ रखूँ इसे? सामान आप नीचे रखते, मैं उठा लूंगी। आप के बिना घर नहीं आ सकते। क्या मतलब है नीचे रखते? ए, हेलो, दरवाजा खोलो। क्या मतलब है ये? मैं खोलूंगी। कुंडी खोलो, चाबी है मेरे पास, खुद को। Thank you.
शहबाज, आप अब तक यहीं बैठे हैं और मैंने आपको बोला था नीचे लिविंग रूम में आ जाएं। सॉरी, वो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बारे में सोच रहा था। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऑफिस को घर पे मत लाया करें। अच्छा मैडम, आप तो गुस्से में ही आ गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब मैंने ये भी नहीं कहा, अलीजा ने बहुत अच्छी कॉफी बनाई है, चले ठीक जल्दी आ। अरबाज, कहाँ जा रहे हो तुम? रूम में जा रहा हूं। आ जाओ, कॉफी पीते हैं बैठ के। आ रहा हूं फोन लेकर। अरबाज, अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो अरबाज, पिछले कुछ अरसे में जो कुछ भी हुआ, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी हर बात पर शक होगा। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं, लेकिन अरबाज, मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी नहीं देखी जा रही यार। तुम्हारा ये रवैया मेरी जान ले लेगा। कर दो यार, माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो फोन छोड़ो, आओ आओ, आज बहुत अरसे के बाद इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। अब ये औकात रह गई है मेरी कि इस घर में आने के लिए मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो, रिलैक्स करो, ऐसी बात नहीं है। क्यों जज्बाती ना हो मैं? तुम्हें अंदाजा है कि कितनी देर मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, दरवाजा पीटता रहा, तुम्हारी बहन ने दरवाजा नहीं खोला, बदतमीजी की, आस पड़ोस के लोग भी देख रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अकेले रहने की आदत नहीं है ना, उसे डरती है। अरे तुम्हें कोई जिन हो जो उसे उठा के ले जाता, खा जाता। और बाय द वे, सुबह इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, रिमेम्बर? उसके लिए तो गैर हो ना। ठीक है, मान लिया मैं गैर हूं, लेकिन घर तो मेरा है। हाँ, तुम्हारा घर है और किसका है? तो फिर मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत क्यों है, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा काम डाउन, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ, इससे पूछती हूँ। राफिया, राफिया, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? स्पीड बढ़ाओ, तेजी से आओ जरा। जी आप ही? बिलाल दरवाजे के बाहर था और तुमने दरवाजा नहीं खोला। घर पे अकेली थी मैं। तुम्हें खा नहीं जाता, कोई गैर नहीं था? मेरे लिए तो गैर है ना, चाहे आपका दोस्त हो। तुम ये भूल रही हो, ये मेरा घर है। तो मैंने कब कह दिया ये मेरा घर है? आप अपने घर में हुकूमत चलाएं, मुझ पे नहीं। अच्छा, तुम इसी घर में रह रही हो? जबरदस्ती लेकर आई हैं आप मुझे अपने घर? अच्छा अच्छा, लेडीज काम डाउन, रिलैक्स। ठीक कह रही है वो, मुझे से इतना तारुफ नहीं है उसका, शायद मुझे गैर समझ रही होगी, इसीलिए शायद दरवाजा नहीं खोला तुमने, है ना? अब तो आना जाना लगा रहेगा मेरा, हमारी जान पहचान हो जाएगी। और तुम तो जानती हो ना कि गैरों को अपना बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता मुझे, जैसे तुम्हें बना लिया। तो अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे और खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। राफिया, तुम भी आओ ना, खाना खाओ हमारे साथ। खाना खा चुकी हूँ मैं, आप लोग खा सकते हैं। कम ऑन, आई इंसिस्ट। बेतकल्लुफी की जरूरत नहीं है। बदतमीज कहीं की, प्यार से कह रहे हैं ना, लेकिन प्यार और इज्जत तो रास ही नहीं है तुम्हें। बदतमीज ही ठीक हूँ मैं। चलो वो नहीं खाना चाहती तो हम ही खा लेते। औकात से बाहर हो गई और कोई बात नहीं है। रिलैक्स, आओ रिलैक्स, कोई बात मान जाएगी।
बाजी बाहर कोई औरत आई है, राफिया बीबी का पूछ रही है। राफिया का पूछ रही है? कौन हो सकती है अम्मा जी? तुमने नाम नहीं पूछा? जी गुलशन नाम बता रही है अपना। अरे हाँ गुलशन वही है जिसके साथ राफिया रहती है, उसकी अम्मी की दोस्त। अरे जाओ बुलाओ उसे अंदर। जी अल्लाह खैर करे, क्यों आई है पता नहीं। सकता है कि राफिया का कुछ बताने ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलशन हूँ, सादिया की दोस्त। पहचाना? हाँ हाँ हमने बिल्कुल पहचान लिया, आओ बैठो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मेरे यहाँ आने का बुरा तो नहीं माना? अरे कैसी बातें कर रही हूँ, सादिया की दोस्त हो तो हमसे भी कुछ ताल्लुक है ना तुम्हारा, और आज तो तुम हमारी मेहमान हो, और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे राफिया ने बताया था बिल्कुल वैसे ही। शुक्रिया। राफिया है कहाँ, कैसी है वो? राफिया यहाँ नहीं है, मैं तो उसी से मिलने आई थी यहाँ। नहीं फारिया उसको अपने साथ ले गई, दरअसल फारिया ने अरबाज से तलाक ले ली है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि तुम राफिया के बारे में जानती होगी। नहीं मैं तो खुद काफी अरसे से हैदराबाद में थी, और मैंने सोचा मैं जाकर राफिया की खैरियत पता कर लूं, बस इसीलिए आई थी। परेशानी में डाल दिया आपने। आप लोगों ने ये बात बताकर मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया है, मुझे बहुत हैरत हो रही है। आखिर फारिया राफिया को अपने साथ क्यों लेकर गई? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ फारिया हारिस को राफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फारिया तो जबरदस्ती उसको खींचती हुई ले गई, हम कुछ नहीं कर सके। अम्मा जी हम कर भी क्या सकते थे, कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं हमारा राफिया के साथ, और कानूनी हक जता के फारिया उसे अपने साथ ले गई। पता नहीं किस हाल में होगी, बहुत मजबूरी में गई होगी वह यहाँ से, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि राफिया कभी भी फारिया के साथ रहना ही नहीं चाहती। तो एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ उसके फ्लैट पर भिजवा दूँ, तुम ही जाके मालूम करो कि मामला क्या है। जी जी मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं उसी से मिलने के लिए तो आई हूँ यहाँ पर। लेकिन आपदा हो सकता है फारिया राफिया से मिलने ही ना दे। हाँ अम्मा जी ये मुमकिन तो है। तो तुम पहले फ़ोन कर लो उसे, हो सकता है अब उठा ले फ़ोन। Hi. How are you? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। जरूरत नहीं है मुझे, आते तक अंदर चलने की। अरे कितना बुरा लगेगा मुझे कि मैं गाड़ी में जाऊँ और आप पैदल। मैंने आपको बोला ना मेरा रास्ता छोड़े, मैं चली जाऊंगी। लिसन मेरी बात, हटे मेरे रास्ते से वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा
और शोर मचा के क्या होगा, यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मचाओ शोर, मचाओ। अगर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो सबको खड़ा कर लूंगी यहाँ पे, और खबरदार आइंदा के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका, ऐसा तमाशा बनाऊंगी पूरी जिंदगी याद रखोगे। हटो। सही कैश रखा है मेरे पास, एटीएम से निकलवाने पड़ेंगे। एटीएम में भी इतने पैसे वैसे होंगे नहीं, घर का सामान ऑर्डर कर लिया। लाख कैश करा लेती हूँ, चार पांच महीने निकल ही जाएंगे। चार पांच महीने तो नहीं निकलेंगे, बड़ा वक्त ही निकलेगा।